मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। सुबह हो गई है आपकी और आपका पढ़ने का समय शुरू हो गया है। सो फिलहाल अभी आपका ये वीडियो है इंटर का फिजिक्स का। सो फिजिक्स में आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं जो आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, जो आपकी किताब में दिए गए हैं। सो ये 14 चैप्टर में 14 वीडियो में कवर कर ले जाऊंगा। बस आपको हमारे पूरे वीडियो देखते रहने हैं। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, फालतू का कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करूंगा। सो इस वीडियो में आप अंत तक ही बने रहें। आपको मैं इस वीडियो में फिजिक्स के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, और जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सारे आपके पीडीएफ दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो देखने से पहले आप जैसे वीडियो देखना शुरू किया करो, आप अपने हाथ में क्वेश्चन बैंक लेकर बैठ जाया करो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपसे केवल टिक लगवाऊंगा। क्वेश्चन आपको आपकी क्वेश्चन बैंक में ढूंढने हैं और उसमें टिक लगा लेने हैं और उनको याद करने हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर आपका आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फर्स्ट चैप्टर है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें पहला क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कूलाम का नियम। 2016 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था। हालांकि ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन ये एक लौता ऐसा क्वेश्चन है जिसके हर बार आने के चांसेस रहते हैं, बिकॉज फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर कूलाम का रहता है। सो कूलाम का क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन इसके बहुत कम पूछा गया है। लेकिन आप फिर भी लगा लो, आपको तैयार करना है अला क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ऐसा ही यहाँ पे माहौल बनता है कि अला क्वेश्चन आएगा। सो आप इसको टिक लगा लो, कूलाम का नियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे टिक लगाओ, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। और करके एक लगा लेना, क्वेश्चन यही है, पूछने का ढंग बदल गया है, पूछने का तरीका बदल गया है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक लगा लेना, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अच्छे से लिख लो, टिक लगा लो, या फिर और अपने क्वेश्चन बैंक से पढ़ लेना सारे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आपको सारे ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक मैंने बहुत पहले कह रखे थे, अगर आपने नहीं खरीदे तो खरीद लो जाकर के तुरंत, पेपर एकदम सर पे है आपके। और क्वेश्चन बैंक जिसके पास नहीं है वो तो एकदम गड़बड़ काम कर रहे हो फिर, ठीक है। तो आपकी किताब में भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में आपको छोटे तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। सो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के लिए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। सो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने के में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है आपको। यहाँ पे आपसे कह रहा है विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को जो घुमाता है उसको, उसका जो कार्य, उसमें जो बल लगता है उसको यहाँ पे आपको समझाना है, और यहाँ पे उसके कार्य का सूत्र स्थापित करना है। सो ये क्वेश्चन लेंथी तो है, लेकिन आपको एकदम लिख करके तैयार करने पड़ेंगे। अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कैसे करोगे। सो थर्ड क्वेश्चन था ये, टिक लगा लेना, विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर फोर, वैद्युत द्विध्रुव में गॉस की परिमेय क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वैद्युत द्विध्रुव में गॉस की परिमेय क्या है, ठीक है। और यही क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, कि स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है, ठीक है, स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है। ऐसे कई प्रकार के हैं, गॉस की परिमेय लगा करके आपसे तरह तरह के क्वेश्चन एंड आंसर पूछ सकते हैं। सो आपको गॉस की परिमेय वाले सारे क्वेश्चन याद कर लेने, वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि गॉस की परिमेय वाले जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उनके सारे आंसर्स काफी ज्यादा लेंथी रहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा बड़े रहते हैं, लेकिन आप फिजिक्स ले बैठे हो तो आपको तैयार करनी ही पड़ेगी। और इन सबको लिखने का और याद करने का तरीका भी वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो चौथा क्वेश्चन था, स्थिर वैद्युत में गॉस की परिमेय क्या है, टिक लगा लीजिए। सो सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर को, जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस परिमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। एक बार और रिपीट करता हूँ, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस परिमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। सो हियर इट इज, सिक्स क्वेश्चन थे आपके, छह क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और ये गॉस के परिमेय वाले सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। फिलहाल इस कॉपी के यानी कि इसमें जिसमें क्वेश्चन लिख रखे हैं मैंने, इस क्वेश्चन को मैंने पीडीएफ के रूप में डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। अगर आप इन क्वेश्चन को डाउनलोड करना चाहते हो तो जाकर के डाउनलोड कर लो। हालांकि वीडियो में तो मैंने बोल ही दिया, सुन सुन करके आपने उम्मीद करता हूँ कि टिक लगा लिया होगा। अब इस किताब को रखता हूँ मैं साइड में।
अब यहाँ से बात करता हूँ क्वेश्चन बैंक के पहले चैप्टर की, जो जिसके क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देखो इस क्वेश्चन, इस पूरी चैप्टर में आपके ज्यादा तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट नहीं, ज्यादा आपके ज्यादातर क्वेश्चन जानते हो कि पूछे जाते हैं, आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका विद्युत धारा से काफी क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यावर्ती धारा से काफी क्वेश्चन आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों से काफी क्वेश्चन आते हैं, तरंग प्रकाशिकी से काफी क्वेश्चन आते हैं, और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ऑर गेट और इनऑर गेट वाले क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा आते हैं। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और सारे क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना है, सभी क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं पीडीएफ के रूप में, और इन क्वेश्चन के आंसर आपको आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, अगर आपने कोई से भी क्वेश्चन बैंक खरीद रखी होगी तो। अगर नहीं रखी है तो आप इन क्वेश्चनों को किताब में ढूंढ सकते हो, अन्यथा आपने नोट्स बना रखे हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पे सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। सो फिलहाल आपके यहाँ पे 14 चैप्टर्स यहाँ पे आपके सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो ये 14 चैप्टर्स है आपके क्वेश्चन बैंक में, ये 14 चैप्टर्स में टोटल खत्म कर दूंगा, 14 चैप्टर्स से 14 वीडियोस में कवर कर दूंगा। सो कोई डरने वाली बात नहीं है, आराम से आप सब लोग तैयारी करते रहिए, एकदम मन लगा करके तैयारी करते रहिए। सो यह था पहला वीडियो हमारा, पहला चैप्टर का, पहला चैप्टर खत्म हो गया हमारा, सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले मैं क्वेश्चन पेपर डाल दूंगा आप सबके लिए, कि आपको पता नहीं है कि फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, सो आपको पता चल जाए फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा। सो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं या फिर ना करूं। सो वीडियो के नीचे तुरंत कमेंट करो कि फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दीजिए, तब तक कि आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपका इंपॉर्टेंट वाला बना रहा हूं। वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।